जयवर्धन सिंह बोले, आगामी 15 दिनों में जनता की मांग के आधार पर तय होगा कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के पूर्व विधायक के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर साधी चुप्पी। कराहल में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करने आए कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रेस मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कराहल, वीरपुर और विजयपुर की जनता की मांग के आधार पर हमारी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। आगामी 15 दिनों में टिकट फाइनल कर दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि टिकट में देरी हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, बीजेपी के सीताराम आदिवासी है क्या, क्या कांग्रेस आलाकमान उनके आने का इंतजार कर रहा है, इस पर जयवर्धन सिंह ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा और चुप्पी साध ली। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपना प्रत्याशी कब आप घोषित करने वाले हैं, क्या पूर्व विधायक सीताराम जी पर ही नजर रहेगी? देखिए, ऐसी कोई बात मैं अभी नहीं कहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि वर्तमान में चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। शायद 7 या 8 तारीख को परिणाम आएगा हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। उसके बाद जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, हमारा प्रत्याशी भी उसी समय घोषित होगा। थोड़ा और धैर्य रख दीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो विजयपुर, कराल, वीरपुर क्षेत्र की जनता की मांग है, उस मांग के आधार पर हम टिकट देंगे। जनता में कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी भी है कि जिनको सिर्फ 8 महीने पहले विधायक बनाया था, उन्होंने ही खुद के लालच के लिए पैसे ले लिए, बड़ा पद ले लिया, लेकिन जो आम जनता विजयपुर की है उपेक्षित रही, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया। और इसीलिए जनता ने इस बार मन बना लिया है कि जो बिकाऊ लोग हैं उनको उपेक्षित किया जाएगा और एक नए चेहरे को यहाँ से विधायक बना के हम भेजेंगे।